प्रदेश सरकार पूरे प्रदेश भर में अपराधियों के खिलाफ मुहिम छेड़ रखी है। इसी को लेकर शहर के तोपखाना क्षेत्र की महिला अपराधी शबनम की अवैध बाड़े को तोड़ने के लिए आज संयुक्त रूप से नगर निगम व जिला प्रशासन का अमला पहुंचा। जिले में लगातार हो रही गुंडे माफिया व बदमाशों के विरुद्ध कार्रवाई में आज दर्जन भर से ज्यादा अपराधों में पंजीबद्ध महिला अपराधी शबनम के अवैध बने बाड़े पर निगम व पुलिस का संयुक्त अमला कार्रवाई करने पहुंचा। थाना माकल क्षेत्र की अपराधी महिला का घर तोपखाने में है। अपराधी महिला अभी जेल में बंद है। महिला ने अपने क्षेत्र में नशीले पदार्थों की सप्लाई, घर में बैठाकर जुआ खिलाने जैसे अपराधों को खूब बढ़ाया है। शबनम की मां भी 10 साल की सजा पूर्व में काट चुकी है। पूरा परिवार ही आपराधिक गतिविधियों में शामिल है। दरअसल प्रदेश सरकार के आदेश अनुसार जिला प्रशासन लगातार कार्रवाइयों को अंजाम देने में जुटा हुआ है। CSP अश्विनी नेगी ने बताया कि थाना महाकाल क्षेत्र के तोपखाने के खंडार मोहल्ले में शबनम काकू का मकान का बाड़ा है। वहीं 12 मामले भी महाकाल थाने में शबनम के खिलाफ दर्ज हैं। इसमें NDPS जुआ जैसे अपराध शामिल हैं। निगम द्वारा बाड़े को आवासीय परमिशन दी गई थी, लेकिन शबनम ने इसे व्यावसायिक बना लिया। इसको ढहाने की कार्रवाई की गई है। यह कार्रवाई आगे भी लगातार आपराधिक गतिविधि में शामिल लोगों के खिलाफ जारी रहेगी। कल थाना अंतर्गत शबनम खान है जो अभी डिटेन्ड है और इनके विरुद्ध लगभग 12 मामले दर्ज हुए हैं, जिसमें मुख्य रूप से जुआ सट्टा और नशीले पदार्थों से संबंधित है। और इसमें नगर निगम उज्जैन के द्वारा इनके द्वारा चूंकि जिस स्ट्रक्चर को हटाया जा रहा है उसको आवासीय के रूप में स्वीकृत कराया था, लेकिन लैंड यूज इन्होंने कमर्शियल किया हुआ था, तो इस वजह से नगर निगम उज्जैन ने इसको हटाने की कार्रवाई की गई है। इसके विरुद्ध लगभग 12 आपराधिक प्रकरण दर्ज हैं और उनमें NDPS के मामले हैं 2 और उन्हीं में से एक प्रकरण में इस समय ये डिटेन है, जेल में है। बाकी घर में जुआ खिलाना, उस तरह के प्रकरण भी इसके विरुद्ध हैं। बाकी अन्य अपराध हैं।